नवी मुंबई नेटवर्क। आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत बेलापुर की भारतीय जनता पार्टी की विधायक मंदा मात्रे के नेतृत्व में इस बार बेलापुर मतदार संघ में नया जोश, नई उमंग के साथ इस बार आजादी का अमृत महोत्सव का सर चढ़कर जुनून लोगों में दिखाई देने वाला है। मंदा मात्रे ने देश की शहादत में त्याग बलिदान देने वाले भारत के वीरों को नमन करते हुए एकता और अखंडता का संदेश देते हुए पूरे जोशो जुनून के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस हर घर तिरंगा अभियान के नारे के साथ मंदा मात्रे के मतदार संघ में विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रम, बाइक रैलियों के साथ 14 अगस्त को मंदा मात्रे के नेतृत्व में सीबीडी बेलापुर गोवर्धनी माता मंदिर प्रवेश द्वार से एनआरआई सागरी पुलिस थाने पाम बीच मार्ग सीबीडी बेलापुर तक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जहां राष्ट्र ध्वज को मान वंदना देते हुए हर घर तिरंगा अभियान के संदेश के साथ विभिन्न कलाकार देश के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के पात्र कलाकार भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। मंदा मात्रे ने सभी नागरिकों को आह्वान किया है कि वह भी हर घर तिरंगा अभियान में सहभागी होकर देश प्रेम के जज्बे के साथ भारत की एकता अखंडता का संकल्प लें। मंदा मात्रे ने नवी मुंबई नेटवर्क से बात करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जन सहभाग की अपील की। हर घर तिरंगा हा नारा आहे आपला। गोवर्धनी माता मंदिर म्हणजे महापालिकेच्या समोर येणारे पोलीस स्टेशन जवळून आपण तिरंग्याची रॅली आपण स्वागत करत काढत आहोत आणि ती रॅली आपली सानपाड्यापर्यंत जाणार आहे। त्याच्यामध्ये बरेचसे सेलिब्रिटी येतील, बरेचसे लोक त्याच्यामध्ये सहभाग घेतील, स्वस्था आहेत, महिला मंडळे आहेत, कोळी समाज आहे, सगळ्या समाजाचे लोक त्या तिरंगा रॅलीमध्ये पार्टिसिपेट करतील। सगळ्याच लोकांनी जास्तीत जास्त संख्येने येऊन त्या रॅलीमध्ये सहभाग घ्यावा। स्वातंत्र्याचा आपला महोत्सव आपण सगळ्यांनी बाहेर निघून आपण तो साजरा करूया असं मी आवाहन करते सगळ्या जनतेला, सगळ्या संस्थेला, सगळ्या महिला मंडळांना की सगळ्यांनी मिळून आपण हा भारताचा स्वतंत्र दिवस साजरा। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।